वो ब्रिजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए कि उसी के किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली साक्षी मलिक, ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ते लड़ते कुश्ती से संन्यास की घोषणा करने वाली साक्षी मलिक अब एक बार फिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर बड़ा आरोप लगा रही हैं। बुधवार सुबह साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान साक्षी मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन से ब्रजभूषण के आदमी एक्टिव हो गए हैं, मेरी माँ को फोन करके धमकी दी जा रही है कि जल्द ही परिवार में किसी पर केस दर्ज होगा। और पिछले दो दिन से जो है वो ब्रिजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए कि उसी के किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि जब से हमने ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है वो ये कभी ना कभी ये एलिगेशंस या कुछ भी प्रोपेगेंडा वो चला ही रहा है। कभी कोई रूप दे रहा है, कभी हरियाणा यूपी का, कभी जात का वो रूप दे रहा है, अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। साक्षी मलिक के इन आरोपों के बाद कई सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए। साक्षी मलिक का आरोप है कि ब्रजभूषण के लोगों ने उनकी मां को कॉल किया, धमकी दी गई और कहा गया कि जल्द ही परिवार के किसी व्यक्ति पर केस दर्ज कर लिया जाएगा। यह आरोप लगाते हुए साक्षी मलिक ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि पिछले कई महीनों से पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। हाल ही में हुए चुनाव में ब्रजभूषण सिंह के करीबी कहे जाने वाले संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए, जिसका विरोध करते हुए साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी। आरोप लगा कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी अध्यक्ष बनाया जाएगा तो पावर कहीं न कहीं ब्रजभूषण के हाथ में ही रहेगी। इसके बाद बड़ा फैसला लेते हुए कुश्ती संघ को ही सस्पेंड कर दिया गया। अब साक्षी मलिक ने आरोप लगाया है कि उनकी मां को ब्रजभूषण के लोग फोन करके धमकी दे रहे हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।